नमस्कार, सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपीएटीएस ने 5 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनको मुंबई, लुधियाना और बिजनौर से पकड़ा गया है। इसके साथ ही 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खुरासान मॉड्यूल के ये आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड पहुंचे। सीएम योगी ने झांसी पहुंचते ही सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएम बनने के बाद योगी का ये पहला बुंदेलखंड का दौरा है। मोदी सरकार ने 1 मई से सभी प्रकार के सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर पाबंदी लगा दी है। इसको लेकर नेताओं से मिले जुले बयान आ रहे हैं, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे पहले से ही लाल बत्ती कल्चर के खिलाफ है। जनता की सेवा करना उनका अहम काम है, ना कि वीआईपी स्टेटस दिखाना। उत्तर प्रदेश के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने दिव्यांग सफाई कर्मचारियों को कहा लूला लंगड़ा। बोले, इन्हें रखा है तभी ये हाल है। बता दें कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कई बार मंच से दिव्यांगों को सम्मान देने की बात कह चुके हैं। यमुना प्रदूषण पर एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को लगाई फटकार। कहा, आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। बता दें कि रविशंकर ने एक दिन पहले आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम से यमुना को हुए नुकसान का जिम्मेदार एनजीटी को ठहराया था। बलिया लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद भरत सिंह ने एक आरओ प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के पचरुखिया गंगा घाट पर 350 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसपास के इलाकों को आर्सेनिक मुक्त पानी मिलेगा। बलिया के कुंवर सिंह चौराहे पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंककर विरोध जताया। बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को झूठी जासूसी गतिविधियों का दोषी पाए जाने पर उसे मौत की सजा सुनाई है। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जाधव को फांसी होती है तो भारतीय जेल में बंद सारे पाकिस्तानी कैदियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बिहार के इंटर टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय की जमानत को रद्द कर दिया है। जमानत रद्द होने के बाद अब बच्चा राय के जेल से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का एमसीडी चुनाव देखते हुए बड़ा बयान सामने आया है। हर्षवर्धन ने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों का आगामी एमसीडी चुनाव में फायदा मिलेगा और एमसीडी चुनाव में बीजेपी को ना तो आम आदमी पार्टी से और ना ही कांग्रेस से कोई सीरियस चैलेंज मिल रहा है। दिल्ली में 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने कश्मीरी गेट के फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कार से कुचल दिया। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 जख्मी हो गए। कार में सवार 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। घाटी में बिगड़ते हालातों और सुरक्षा एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने कश्मीर में पूरी तरह फेसबुक और व्हाट्सएप पर पाबंदी लगा दी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं। रिजिजू ने इसके साथ एक कमेंट भी किया है, लिखा है कि यंग फ्रेंड्स, ड्रग्स से दूर रहें, फिट रहें, आइए नरेंद्र मोदी जी के नए इंडिया के सपने को पूरा करें। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया। लालू ने कहा कि आडवाणी के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची है ताकि वो राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाए। अमेरिकी पॉप स्टार केटी पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मां काली की फोटो पोस्ट की, जिसके बाद से वे भारतीय यूजर्स के टारगेट पर आ गई हैं। केटी ने फोटो के साथ कैप्शन भी दिया। उन्होंने लिखा कि करंट मून मां काली को बुरी ताकतों के विनाशक के तौर पर पूजा जाता है। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का दूसरा पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में सलमान के अलावा एक वॉर सीन भी दिखाया गया है। सलमान खान सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने गले में जूते टांगे हुए हैं। फिल्म के दूसरे पोस्टर में भी क्या तुम्हें यकीन है लिखा है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहे सीएम इंडिया टीवी। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।